ये का है भैया, का दिखाना चाहते हैं आप? बड़का पगला हम लोग हैं। तो ये सबसे पहले तहलका न्यूज के सभी दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम। और हम हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। हाँ। हम भैया धरे चाटे पकड़े वाला काम ना करियो। हाँ। समीर चौधरी जो बोलता है खुल के बोलता है, टेल के बोलता है। तो हमारा कहना है कि अगर आपकी बहन कुमारी है तो का मने पलौट हो गए? अरे भैया जब लफुआ वाला भाषा बोलना है आपको, जब आपको लंगा वाला भाषा बोलना है तो आप बोलते ना कि माल है। हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को, मुसलमानों को बोलना चाहते हैं, आप खुल के बोलिए कि हाँ हम धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों के लड़कियों को बोलते हैं कि सिंदूर नहीं लगाती है, यानी वो खाली पलौट है। आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, हम लोगों को उससे मतलब नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जाति को बांटने का काम करेगा, जो व्यक्ति धर्म को गाली देने का काम करेगा, समीर चौधरी छोड़ेगा नहीं। हमने इनका समर्थन इसलिए किया है कि भैया हमारे हिंदू धर्म के प्रचारक हो। भैया प्रचारक किसी भी धर्म का होता है, आदमी उसका इज्जत करता है। और जब आप भाई जब आप चल के आ रहे थे तरेत पाली मठ में, लोग आपका विरोध कर रहे थे, हम लोग जैसे भाई आपका समर्थन किए। हाँ। समर्थन किए ना है। और आज के डेट में आप हमरो बहन के यही बोल दिए हैं कि भैया खाली पलौट हो, सिंदूर ना लगा ले हो, ये हो वो हो, माने क्या चाहते हैं आप? हमेशा आप बेबाकी बोल के आप बयान में बनना चाहते हैं, ये ना है? कुछ बेटर पटर बोल के आप चाहते हैं कि हम रहें इस सब अथी में बना रहें, तो ये सरासर अन्याय है। अगर आपको पीएम बनना है तो भैया पहले फाइनल कर लो कि पीएम बनना है, पी के उलट जाएंगे। अच्छा बताइए, खाली प्लॉट का मतलब कि आप गलत हैं, उसका वे क्यों निकाल लिए? काहे ना होते, खाली प्लॉट मैंने क्या हुआ बोलिए ना आप ही। महिलाओं को मतलब खाली प्लॉट बोलने का उनका रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि हम ये सब चर्चा का विषय बने रहेंगे, तनी मुनी बोल देंगे तो लाइम लाइट रहेगा। कुछ नहीं, का है भैया, का दिखाना चाहते हैं आप? बड़का पगला हम लोग हैं, कलाकार तो बोले के बात नहीं है, साला नेशनल स्कूल मने इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के लिए एक्टिंग, तब जाके यहाँ उखा रही थी ला बैठ के आज। ये लगे कि हमारे समाज के लोग चाहे नहीं करता हम लोग आगे बढ़े, है ना? अब जिस प्रकार हम धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किए, बताइए कि पूरा साला कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे, बिहार में ही इनको इतना भक्त मिला होगा जो इनको बोलने पर मजबूर कर दिया कि पागलो यहाँ से चले जाओ। हैं, तो आपको इतना आदमी इज्जत दे रहा था, पता है क्यों? मात्र एक भगवान के लिए, जो बजरंगबली का आपने नाम ले लिया ना, उसके लिए हम लोग भैया आपको समझने लगे। लेकिन जिस प्रकार आप बयान दे देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो है ये है, हिंदू राष्ट्र कहाँ नहीं रहेगा? हिंदुस्ताने को नहीं हिंदू राष्ट्र बोलते हैं? अब पाकिस्तान में जाके बोलिए कि हम पाकिस्तान राष्ट्र बना देंगे, तो चुतिया बनाए वाला काम बोल रहे हैं आप। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी राष्ट्र है जी, है? तो बात यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ बात बोल के आप रहना चाहते हैं ये सब लाइम लाइट के चक्कर में, ये बहुत गलत है भैया। सही बताइए कि जिस तरीके से बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है, वो हमेशा किसी का भविष्य बताते हैं। बाबा हुआ नहीं, अब हम समीर चौधरी खुलासा करते हो बाबू, सुन ले। तो हल्का न्यूज पर पहली बार हम गेलू खल, इनकर कौन है, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के जहाँ परदादा के जहाँ मंदिर है ना, वहाँ गए थे हम। आप जाके मस्कड़ा रिपोर्टर पे देख भी लीजिएगा। तो हम वहाँ गए तो देखे एगो पूरा ऐसे ऐसे चुड़ैल भगा रहा था। हाँ, तो हम अपना कैमरामैन को बोले कि तनी ओकरा पे फोकस करिए, हम जा ही हो। तो हम जैसे ही गए ना तो छौड़ी बोल रही ना, मेरा भूत भाग गया, ए कैमरा उन्हें करो, देखो मैंने कहा बना भाई। जब वहाँ पे जांच पड़ताल किए, लोगों से पूछे, तो पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री के पिता माने एक दादा वहाँ पे भूत भगाने का, ओझागिरी का काम करते थे। और धीरेन्द्र शास्त्री अपने पिताजी के साथ कथावाचक करते थे सत्यनारायण भगवान के। तो जो एनी टाइम बाबू के साथ घूमते रहेगा, एनी टाइम मंत्र का उच्चारण सुनेगा तो सीख न जाएगा? आए, तो वो व्यक्ति 6 साल की उम्र में सीख गया और कथावाचक करने लगा, वो सत्यनारायण भगवान का कथा करने लगा। ओकर बाद तो भैया बाबा के भैया रोक ना हो, पता चल लो बीजेपी के, पता चल रहा दो चार को नेता के, तुरंत में एक हवा पानी मार के टाइट कर दिल के। हवा पानी का हो भैया, 4 दिन आप ही मीडिया में रही ना, आपको हम बाबा बाबा कहेंगे, आपको सलाह अमेरिका से बुलावेगा, नहीं बुलाएगा समीर चौधरी के मुँह। देखिए हमेशा उल्टा पलटा बयान देते रहते हैं, बताइए कि तू जकरा बारे में पूछा ही था वो बड़का बयानबाजी है, ओकरा लगे हम तो भैया चीनी आदमी है। नहीं है, आप किसी धर्म के लोगों के कुछ भी बोल देते हैं। आप जब इंटरव्यू पे बैठते हैं, हमको तो सबसे बड़ा भैया एक्टर तू, हाँ माने थी ये जो ये करते हैं ना, ये एक्टिंग हम सीख गए हैं आपका, लेकिन ढेर दिन नहीं चलने वाला, नहीं चलने देंगे हम लोग। अच्छा समीर जी बताइए कि किसी को देखकर माइंड पढ़ते हैं, वो किसी का भविष्य बताते हैं, तो क्या लगता है कि वो विद्वान नहीं है? देखिए हमारा ये वीडियो देखने के बाद बहुत से हमारे भाई लोग, हमारे समर्थन करने वाले या जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, उसको हमको हमारा गाली देगा वो। हाँ। दिए भैया गाली, लेकिन सोच समझ के। हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि जब पटना में धीरेन्द्र शास्त्री एलकोहल तोरा देखो है, तोर पर्ची कटा है,
नहीं ना कटा है। तमाम 5 लाख लोग में किसी का पर्ची नहीं कटा है। जो पागल भक्त जो तरेत पाली मठ में था ना, एक ओके पर्ची नहीं कटा है। समीर चौधरी ये बोल रहा है। और दूसरी बात सुन लो, पर्ची ओकरे कटा है जो पनास होटल में रतिया के 1 बजे गेले हल, 1-1 लाख रुपया दिल के हल। वो बड़ा बड़ा हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, ओकरे पर्ची कटलो है भैया। चंदा के नाम पे पैसा देवल जाए, समझे कि नहीं? आप के रुपया दिए थे? आप टेम्पू के 50 रुपया दे के तरेत पहुँच गए हल। उमें धीरेन्द्र शास्त्री के का फायदा भैया? कोई फायदा नहीं। इस कारण से अगला है भैया, इस लोग को नहीं देखा, आम आदमी किसी को नहीं देखा। आपको देखा है? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। हम गेले खल यार, लाठी उठी लेके पूरा तैनात है, लेकिन मार भी आज ये जो विरोधियन रहेगा हाँ, वहाँ हम लोगों को भी इज्जत नहीं किया गया, हम लोगों को भी किसी तरह का कुछ नहीं। यहाँ हम लोग के साथ हमारे बजरंग दल के बहुत ऐसे भाई लोग थे जो निराश हो गए, कह रहे भैया क्या सेलिब्रिटी ना है जी। सेलिब्रिटी तो भैया आप फिल्म ना बनाइएगा, कथावाचक कीजिएगा, अम्माई बहन के गाड़ी दीजिएगा, आए हिंदू धर्म के बांट दीजिएगा। हिंदू और मुसलमान तब है हिंदुस्तान। वाह, चलिए, ये थे हमारे साथ में समीर चौधरी जी, यानी कि हिंदू मुस्लिम सभी का बात करते रहते हैं, कभी कभी बागेश्वर बाबा का भी सपोर्ट करते रहते, लेकिन आजकल क्यों उखड़े हुए हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।